Yeah. हाय गाइस, कैसे हो आप सब। और आज इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, रियलमी क्या कर रही है, रियलमी। तो गाइस, रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर चेक करा तो मुझे रियलमी के प्रोजेक्ट एक्स के नाम से एक फॉरम मिला। मैंने उस पर जाके क्लिक करा तो मैंने देखा कि उसके अंदर रियलमी एक प्रोजेक्ट एक्स नाम से किसी सिस्टम पे, मतलब किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है। तो मैंने उसकी रिसर्च करी, थोड़ा सा उसके बारे में देखा और पता चला कि वो बेसिकली रियलमी कलर ओएस 6 पे, आपको पता है अभी चलता है रियलमी के सारे डिवाइसेस अब चल रहे हैं, ठीक है। उसको मैंने जाके चेक करा और उसको चेक करा तो फिर मैंने उस पर देखा कि रियलमी बेसिकली अपना एक नया ओएस पे काम कर रही है। क्या होगा उसका नाम, क्या है उसका सिस्टम, सब मैं बात करूंगा इस वीडियो में। जो जो पॉसिबिलिटी है, कब तक आने के चांस है ओएस के, सब बात करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक दे देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो रियलमी है बेसिकली वो एक्चुअल में जब तुम उस कम्युनिटी पोस्ट पे जाओगे, मैं तुम्हें यहाँ शो कर दूंगा, उसमें क्लिक करने के बाद अगर तुम रियलमी 3 प्रो यूजर हो तो तुम्हें वहाँ पे अपनी IMEI इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी और तुम्हारे एक टाइप की एम्बार्गो साइन करनी पड़ेगी ताकि तुम वो प्रोजेक्ट जो है रियलमी जिस पे काम कर रही है वो डिस्क्लोज ना करो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कंफर्मेशन आएगी और तुम्हें एक चीज और वहां पे पूछी जाएगी कंफर्म करने के लिए कि तुमने क्या इससे पहले बीटा टेस्टिंग करी है या नहीं, ठीक है। अगर तुमने करी होगी तो तुम्हें चांसेस है कि तुम्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। हालांकि सब करेंगे लेकिन वो बहुत लिमिटेड यूजर्स को एक्सेस मिलेगा तो इसलिए उसका कुछ हिसाब होगा कि इतने पर्टिकुलर यूजर्स को दिया जाएगा इतने फर्स्ट स्लॉट में या इतने बैचेस में, ठीक है। और वो भी एक दो से तीन चार हफ्तों में तुम्हें मिलना शुरू होगा। अभी वो बीटा स्टेजेस में होगा तो उस पर काफ़ी वर्किंग चलेगी तो आप तुम मान के चलो कि दो से तीन महीने तो एटलीस्ट अगर प्रॉपर स्टेबिलिटी लानी है तो काम करना पड़ेगा उन्हें। 2 से 3 महीने उस पर डेवलपर बीटा टेस्टिंग सब कुछ चलेगा, ठीक है। और बाकी उसके बाद ही फाइनल पैच रोल आउट होगा स्टेबल यूजर्स के लिए, ठीक है। उसके लिए शायद कोई एक इवेंट भी होगा खेलने का, ठीक है। और ये हो सकता है कि तुम्हारे किस नए डिवाइस के साथ आएगा। तो मैंने क्या है एक्चुअल गाइस, मैं तुम्हें पूरी अंदर की बात बताना चाहूँगा जितनी मेरे को लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल गाइस बात यह है कि मैंने कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था रियलमी का, कम्युनिटी फोरम पे मुझे आया था। तो मैंने रियलमी का एक कैमरा ग्रुप व्हाट्सएप पर ज्वाइन किया था जहाँ पे तुम अपने कैमरा इश्यूज एक्सप्लेन कर सकते थे रियलमी के डेवलपर्स को जो कैमरा के ऊपर काम कर रहे हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। उनसे ही मुझे पता लगने को मिला कि जो रियलमी है वो एक्चुअल में रियलमी ओएस पे काम कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली इसका नाम रियलमी ओएस ही होगा और ये काइंड ऑफ सिमिलर टू होगा ऑक्सीजन ओएस के। क्योंकि गाइस ये भी मुझे सुनने में आया है कि जो रियलमी है, अभी मैं सिर्फ रिमोट्स बता रहा हूँ, ये सुनने में आया मेरे को तो इसको पूरा एग्जैक्टली मत लेना डिटेल में, ठीक है। मुझे सुनने में आया कि जो रियलमी है वो बेसिकली काम कर रहा है रियलमी के ओएस पे, तो उसके अंदर जो डेवलपर्स हैं वो बेसिकली वन प्लस के डेवलपर्स ही हैं जो रियलमी को इसमें हेल्पिंग हैंड सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑक्सीजन ओएस के बराबर तक का हो सकता है वो, तो दैट्स अ गुड न्यूज़ गाइस। अगर ऐसा हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल रियलमी 3 प्रो यूजर्स को एक्सेस मिलेगा पहले आई गेस, क्योंकि इस पर वर्किंग रियलमी 3 प्रो पे पड़ रही है, चल रही है। देन आई गेस रियलमी एक्स और आई कैन बी श्योर दैट रियलमी सब डिवाइसेस को प्रोवाइड करते हैं, इवन रियलमी 1 को भी प्रोवाइड करते हैं, जो काफी बढ़िया बात हो जाएगी क्योंकि पहली कंपनी हो जाएगी जो अपने सारे डिवाइसेस को सपोर्ट कर रही है एंड्रॉइड में आफ्टर वन प्लस, क्योंकि वन प्लस एप्पल और ये दो ही कंपनीज हैं जो ज्यादातर अपने डिवाइसेस सारे डिवाइसेस को सबसे ज्यादा सपोर्ट देती हैं। इनके अलावा कोई कंपनी ज्यादा सपोर्ट नहीं देती अपने पुराने डिवाइसेस को, अगर तुम हिस्ट्री देख लो तो, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कंपनीज के, ठीक है गाइस। अभी तक तो फिलहाल यही थी इन्फॉर्मेशन, देखते हैं क्या आता है फ्यूचर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगेन कह रहा हूँ, वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो में। पीस, थैंक यू।